नमस्कार, डीपीके न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ आरवी। आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज बुलेटिन। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। राजस्थान के 9 जिलों में शाम तक चलेगा आंधी बारिश का दौर, कल 4 जिलों में अलर्ट। जोधपुर में यातायात विभाग ने 21 से 27 मई तक चलाया विशेष अभियान। कोलायत के गुड्डागांव में ग्रामीणों ने किया विरोध, प्रदर्शनकारी पानी की टंकी पर चढ़े। अब खबरें विस्तार से। 45 डिग्री सेल्सियस की तेज गर्मी से तप रहे राजस्थान में सोमवार की सुबह शुरुआत आंधी बारिश के साथ हुई। अलवर, भरतपुर, जयपुर, दौसा, करौली, धौलपुर समेत पूर्वी राजस्थान के कई इलाकों में आज बारिश हुई। पिछले 12 घंटे के दौरान करौली, अलवर, दौसा, झुंझुनू के कई इलाकों में 10 मिलीमीटर तक बरसात रिकॉर्ड की। मौसम में आए इस बदलाव के तापमान में गिरावट आई है। रात का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास आ गया है, जबकि ठंडी हवाएं चलने से दिन के पारे में भी कमी आई है। इससे पहले 22 मई को जैसलमेर में दिन का तापमान 45 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया था। राजधानी जयपुर में सुबह से आसमान में बादल छाए हुए हैं, रुक रुक कर बारिश होती रही। आसमान में धूल का गुब्बारे उठने से कुछ देर आसमान मटमैला दिखाई दिया, वहीं तापमान में भी कमी रही। इससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। मौसम केंद्र जयपुर और जल संसाधन विभाग से मिली रिपोर्ट देखें तो पिछले 12 घंटे के अंदर सबसे ज्यादा बारिश झुंझुनू के पिलानी में 11 मिलीमीटर तक हुई है। मौसम केंद्र जयपुर के मुताबिक बारिश आंधी के बाद बीती रात कई शहरों में तापमान 21 से लेकर 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड हुआ। जोधपुर में यातायात विभाग ने 21 से 27 मई तक विशेष अभियान चलाया है और एक्सीडेंटल जोनों पर विशेष नाकेबंदी की गई। यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले के चालान काटे जा रहे हैं। पूरे मामले के बारे में बताते हुए यातायात विभाग ने बताया कि सभी एक्सीडेंटल जोनों को चयनित किया गया। यहां पर विशेष अभियान के तहत अलग अलग जगहों पर नाकेबंदी की जा रही है। आज नागौर रोड पर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। यहां नाके लगाकर यातायात की नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों को चालान काटे गए तो कई वाहन चालकों को समझा कर छोड़ दिया गया। जोधपुर के आरटीओ कार्यालय में चोरी की सूचना पर महामंदिर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दो महिलाओं को पकड़ा। मामले के बारे में बताते हुए महामंदिर थाना अधिकारी लेखराज सियाग ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस की टीम को मौके पर भेजा गया, जहां से कचरा बीनने वाली दो महिलाओं को पकड़ा गया। अब पुलिस एफआईआर का इंतजार कर रही है कि महिला वहां क्या चोरी करने के लिए पहुंची थी, उसके बाद आगे की अनुसंधान किया जाएगा। सुबह की इतला पर 3-4 संदिग्ध महिलाओं को आपके ऑफिस से लेकर आए हैं। जैसी रिपोर्ट देगी वैसे कार्रवाई की जाएगी, अभी पूछताछ की जा रही है। कहाँ से इसको दस्तियाब किया है, तो किस तरह के कागजात? वो तो रिपोर्ट देंगे आरटीओ ऑफिस वाले, तभी पता चल पाएगा। खबर झालावाड़ से, जहां जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने चौमेला के मावे की फैक्ट्री पर निरीक्षण कर मावे के सैंपल लिए। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी चंद्रवीर सिंह जादौन ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रशासन एवं मुख्य चिकित्सा विभाग अधिकारी झालावाड़ के आदेश अनुसार चौमेला में राजेंद्र दूध डेयरी के निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान दूध एवं मावे के सैंपल खाद्य सुरक्षा के नियम दोबारा लिए गए, जिन्हें कोटा खाद्य प्रयोगशाला भेजा जाएगा। वहीं रिपोर्ट के आधार पर विक्रेता के विरुद्ध नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान दो गोदाम की चौमहला तहसीलदार और गंगधार पुलिस बल द्वारा जांच की गई, जिसमें कोई खाद्य पदार्थ नहीं पाया गया। इस दौरान कार्रवाई में जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी चंद्रवीर सिंह जादौन, तहसीलदार सत्यनारायण नावेदिया, हेड कांस्टेबल रामचंद्र नागर, कांस्टेबल त्रिलोक चंद आदि उपस्थित रहे। खबर रायबरेली से, जहां योगी सरकार में भूमाफिया और दबंगों का बोलबाला दबंगों के द्वारा जमीन पर किया जा रहा है। अवैध कब्जा जी हां मामले रायबरेली जिले के हरचंदपुर थाना क्षेत्र कश्मीरा का बताया जा रहा है, जहां पर पीड़ित राम सागर की पुश्तैनी जमीन पर दबंगों के द्वारा कब्जा किया जा रहा है। पीड़ित ने जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक महोदया के यहाँ गुहार लगाते हुए कहा, गुंडे से लाठी डंडे और
लाइसेंसी बंदूक लेकर आए थे और मारपीट करने लगे और गंदी गंदी गालियां देते हुए धमकी दी, यदि दोबारा इस जमीन के पास आओगे तो तुम्हें मार दिया जाएगा। फिलहाल पीड़ित में इसकी लिखित तहरीर पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी के यहाँ दी और न्याय की गुहार लगा रहा है। अब देखना यह होगा कि आखिर दबंगों के ऊपर कब कार्रवाई होती है, अब ये देखने वाली बात होगी। लेकिन पीड़ित का आरोप है, थाना हरचंदपुर स्पेक्टर उल्टा मुझे ही धमका रहे हैं और मुझे मुकदमों में फंसाने की धमकी दी जा रही है। भैया थाना कहाँ रहते हैं? ग्राम कमसूरा पोस्ट है, जिला रावरेल, थाना और तहसील महाराजगंज में। क्या नाम है? नाम मेरा राम सागर हो गया। क्या हुआ आपसे? हमारी जमीन है सर, हमारी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करवाया जा रहा है। पुलिस थाने में जा रहे हैं, अर्जुनपुर थाने में, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो आज कहाँ पे आए? आज हम SDM साहब, DM साहब के आवास पे आए, ऑफिस आए हैं। मुलाकात नहीं हुई? नहीं। जो मारपीट का जो वीडियो आप अभी दिखा रहे थे, क्या मामला है पूरा इसका? मामला ये है कि सर, जब जबरदस्ती इनको कब्जा कर रहे थे तो हम लोग थाने को फ़ोन किया, थाने में 112 नंबर पुलिस आई, आने के बाद दोनों पक्षों को ले गई और थाने में बैठाई थी, सारा दिन बैठाई, बैठाने के बाद में जबरदस्ती सिग्नेचर करवा रही थी, नहीं किए तो उसमें इनको बेल्टन से मरवाए हैं। कब्जा कौन कर रहा? कब्जा कर रहे हैं रामदेव पक्षी मौर्य हैं। किसको बेल्टन से मरवाए? कौन है जी? आपके मामा है हमारे। अच्छा, आपके मामा जी। क्या नाम है तुम्हारा? कहाँ रहती हो? कश्मीरा। क्या मामला है तुम्हारा? मामला हमारा है कि भाई के वो जमीन है कि यहाँ पीला खुदा के वरत रहे, तो हम लोग बोले हैं कि लठ लैले दौरे मारे के यहाँ, और सीधा फोन कर दी 112 नंबर, पुलिस आई है तो पकड़ के ले गए हैं, और पकड़ के ले गए फिर सारा दिन बैठाए रहे हैं कि मारी नहीं हमारे भाई का। अच्छा, दस्तक नहीं कर रहे, जबरदस्ती जब दस्तक करवा। थाना कौन सा है तुम्हारा? हरचंद। थाना हरचंद। तो जमीन कौन कब्जा कर रहा आपकी? रामदेव। रामदेव। हाँ। जिलाधिकारी महोदय से मुलाकात हुई है? हाँ? जिलाधिकारी महोदय से मुलाकात हुई है? नहीं। अच्छा, एप्लीकेशन लिया गया आपका? ले लिए। हाँ। क्या बोला है? कहन जाइए वहाँ कप्तान साहब का, एप्लीकेशन दीजिए आपके। अब खबर आगरा से, जहां घर वालों को बिना बताए मुंबई जाने के लिए निकली तीन बच्चियां गलत हाथों में पड़ने से बची। RPF आगरा कैंट के जवानों की सतर्कता से बच्चियों को बड़ी मुश्किल में फंसने से बचा लिया गया। फिलहाल बरामद की गई तीनों बच्चियां चाइल्ड हेल्पलाइन टीम के पास सुरक्षित है। पुलिस ने बच्चियों के परिजनों को सूचना दे दी, बच्चियों के परिजन उन्हें लेने के लिए आगरा पहुंच रहे हैं। RPF टीम की निगरानी में महफूज खड़ी इन तीन बच्चियों के नाम प्रगति, महक और मानसी है। प्रगति 14 साल की है, जबकि महक मानसी की उम्र 13 साल है। तीनों बच्चियां सिकोहाबाद की रहने वाली है। तीनों बच्चियां रात करीब 12:15 बजे आगरा कैंट रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर लावारिस हालत में घूम रही थी। संदेह होने पर RPF टीम ने पूछताछ की तो बच्चियां गोलमोल जवाब देने लगी। बच्चियों ने कहा कि वह अपनी दादी से मिलने के लिए मुंबई जा रही है, ऐसे में जब उनके साथ कोई बड़ा नजर नहीं आया तो पुलिस ने उन्हें अपने साथ RPF थाने ले गई, फिर उन्हें चाइल्ड लाइन के सुपुर्द करा दिया। इस मामले में RPF टीम ने जब बच्चियों के परिजनों से बात की तो पता चला कि बच्चियों की गुमशुदगी शिकोहाबाद थाने में दर्ज है। शिकोहाबाद पुलिस ने बच्चियों की तलाश कर रही है। मामले पर जानकारी देते हुए RPF इंस्पेक्टर आगरा कैंट ने बताया कि बच्चियां पूरी तरह से सुरक्षित है, बच्चियां सही जानकारी नहीं दे पा रही है। कल रात को तीन नाबालिग बच्चियां मिली स्टेशन में घूमते हुए, क्या जानकारी? आज रात लगभग 12:15 बजे के आसपास, जब हमारे रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट आगरा छावनी के ASI बालकिशन मीना, हेड कांस्टेबल कमलेश यादव, जब गश्त में प्लेटफार्म नंबर 1 पर थे, तो जो प्लेटफार्म नंबर 1 और 6 का झांसी छोर है, दिल्ली छोर है, दिल्ली छोर पर बेंच पर बैठी हुई तीन नाबालिग बच्चियां दिखाई दी, जिनकी उम्र लगभग 13-14 साल के आसपास रही होगी। तीनों बच्चियों से जब पूछताछ की, चूँकि वो तीनों बच्ची अकेली थी, उनसे जब पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि हम अपनी दादी के पास बम्बई जा रही हैं, चूँकि उनके साथ कोई भी पारिवारिक सदस्य मौजूद नहीं था, ना कोई महिला थी ना कोई पुरुष था। शकवश उनसे गहराई से पूछताछ की तो उन्होंने कुछ भी स्पष्ट नहीं बताया। तत्पश्चात ASI द्वारा तत्काल मुझे बताया गया। मामले गंभीरता को देखते हुए मैंने बताया उनको कि तत्काल कोई महिला बल सदस्य जो भी ड्यूटी पर उपस्थित हो,
उसके साथ इन बच्चियों को रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट आगरा छावनी पर या जो चाइल्ड हेल्प डेस्क है वहाँ पहुँचिए। चाइल्ड हेल्प डेस्क की जो महिला प्रतिनिधि मौजूद थी राखी, उनके उनको बुलाया गया पोस्ट पर और उनके समक्ष इन बच्चियों से पूछताछ की गई। तो इन बच्चियों ने बताया कि हम फिरोजाबाद की शिकोहाबाद की रहने वाली हैं, रेलवे कॉलोनी में हमारा घर है। इन्होंने अपना अपना नाम बताया, पहला नाम प्रगति, एक महक और एक मानसी। जो प्रगति है उसकी उम्र लगभग 14 साल है और बाकी जो दो अन्य दो बच्चियां थी उनकी उम्र 13-13 साल है। बॉम्बे क्यों जा रहे थे, मतलब ये फिल्मों के लिए जा रहे थे, किस लिए जा रहे थे बॉम्बे, क्या बताया? बच्चियों से हमने काफ़ी गहराई से पूछताछ करने की कोशिश की लेकिन उन्होंने कुछ संतोषजनक जवाब नहीं दिया। उनके बताए गए नंबरों से जब हमने उनके परिजनों से संपर्क किया तो उनके परिजनों ने बताया कि इनके संबंध में, हम इनकी मिसिंग के संबंध में थाना शिकोहाबाद में मामला पंजीकृत है। तत्पश्चात हमने शिकोहाबाद थाने से संपर्क किया तो पता चला कि इनकी मिसिंग दर्ज है और जो जो हमारे संबंधित थानों की पुलिस है वो और हमारी जो एसआईजी टीम जो इनकी है सिविल पुलिस की, उनके द्वारा लगातार इनकी खोजबीन की जा रही है। जब इतना हमें पता चला तो हमने तत्काल जो चाइल्ड हेल्प लाइन के जो सदस्य हैं उनके साथ लेके और हमारे बल सदस्यों को भेजकर तीनों बच्चियों का मेडिकल परीक्षण करवाया। मेडिकल परीक्षण के उपरांत जो हमारी रेलवे की एसओपी है उसकी गाइडलाइन के अनुसार इनको अग्रिम कार्रवाई हेतु चाइल्ड हेल्प डेस्क को दिया, जहां से इनको सीडब्ल्यू समक्ष पेश किया गया। कोलाय क्षेत्र के गुड़ा गांव में ग्रामीण ने विरोध प्रदर्शन करते हुए पानी की टंकी पर चढ़े। ग्रामीण जयप्रकाश जाजड़ा ने जानकारी देते हुए बताया कि गांव में बनी नहर विभाग से जुड़ी हुई पानी की टंकी में पिछले काफी समय से पानी नहीं आ रहा है, जिसके कारण गांव के कुछ वार्ड पानी से वंचित रह रहे हैं, इसलिए गाँव में पानी की कमी आई है। विरोध प्रदर्शन करते हुए ग्रामीण पानी की टंकी पर पहुंचे और सूचना मिलने पर कोलायत एसडीएम प्रदीप कुमार और कोलायत पुलिस उप अधीक्षक अरविंद विश्नोई मौके पर पहुंचे और विभाग के अधिकारियों को सूचना देकर उन्हें बुलाया तो विभाग के अधिकारियों ने कहा कि गांव में कई अवैध कनेक्शन हो रखे हैं, जिसके कारण पानी की टंकी में चढ़ने के लिए प्रेशर नहीं बन रहा है, जिसके कारण ये दिक्कत आ रही है। करीब एक घंटे तक वार्तालाप के बाद ग्रामीणों को विभाग के एएन श्वेता अग्रवाल ने 15 दिनों के अंदर पानी की सप्लाई सुचारू करने का आश्वासन दिया। तब ग्रामीण मान गए और टंकी से उतर गए। साथ ही उपखंड अधिकारी प्रदीप कुमार ने कहा कि ग्रामीणों का सिर्फ संयोग अवैध कनेक्शन कटवाने के लिए चाहिए ताकि पानी की टंकी तक पहुंच सके। तीन ग्राम पंचायत बुढ़ा तहसील कोलायत में आज ग्रामीणों ने टंकी के ऊपर चढ़कर पानी के लिए नारेबाजी की है और ग्रामीणों की एक ही मांग है कि टंकी पर पानी चढ़ना चाहिए और गांव में सप्लाई दे और गांव में पानी की भरपूर किल्लत है। अब खबर बीकानेर के गजनेर से, जहां थाना अधिकारी धर्मेंद्र सिंह एवं श्री राम अस्पताल के संयुक्त तत्वाधान के अंतर्गत पुलिस कर्मियों व उनके परिजनों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य जाँच शिविर का आयोजन किया गया, जिसके तहत निःशुल्क ECG, ब्लड शुगर एवं आवश्यकता पूर्ण अनुसार बाकी जांचें की गई। साथ ही राजस्थान सरकार द्वारा निःशुल्क की गई RGHS योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। श्री राम अस्पताल बीकानेर शाखा में एक ही छत के नीचे RGHS योजना के तहत सभी सूची अनुसार ऑपरेशन, OPD, लेबोरेटरी सहित अन्य जाँचें एवं दवाइयाँ निःशुल्क सुविधा से उपलब्ध है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, देखते रहिए DPK न्यूज। नमस्कार। बिना रुके, बिना डरे, बिना किसी समझौते के जारी है हमारी सफलता की यात्रा। इस यात्रा में कई अवरोध और कई बाधाएं आईं, उन सभी दुश्वारियों को झेला है हमने।